यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यशायाह अध्याय 15। मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। बैत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदबा के ऊपर मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुंडी हुई है। सड़कों में लोग टाट पहने, छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं और हेशपोन और एलाले चिल्ला रहे हैं। उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता है। इस कारण वो मोआब के हथियारबंद लोग चिल्ला रहे हैं। उसका जी उदास है, मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है, क्योंकि उनके रईस सोर और एगलत शलीतिशिया तक भागे जाते हैं। देखो लोहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो होरोनम के मार्ग में वे नाश की चिल्लाहट मचा रहे हैं और निमरीम का जल सूख गया और घास कुम्हला गया और हरियाली मुरझा गई और नमी कुछ भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्होंने बचा रखा और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है उस सबको वे उस नाले के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मजनू वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर के सिवानों में चिल्लाहट हो रही है। उसमें हाहाकार एगल मलेम और बेरलीम में भी सुन पड़ता है, क्योंकि दिमोन का सोता लोहू से भरा हुआ है। मैं तो दिमोन पर और भी दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा।